तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पोर्ट्स तक में। हमने देखा कि किस तरह से कल आईपीएल में सारे खिलाड़ी जो कि हर एक फ्रेंचाइजी ने रिटेन किए हैं उसकी डिटेल्स आए। इस वीडियो में हम आपको रिकैप करके बताएंगे कि कौन कौन सी टीम ने किस किस खिलाड़ी को जाने दिया है और किन खिलाड़ियों को रिटेन किया है, कितने में की रिटेन हुए हैं सारे खिलाड़ी, और सबसे बड़े गेनर्स कौन कौन से हैं, कितने स्लॉट्स अवेलेबल है, ओवरसी स्लॉट्स कितने हैं, ओवरऑल स्लॉट्स कितने अवेलेबल हैं, इसके अलावा बाकी सारी डिटेल्स इस वीडियो में आपको नजर आएंगी। सबसे पहले टीम जो आप अपने स्क्रीन पर देखेंगे वो है चेन्नई सुपर किंग्स। जी हाँ, चेन्नई सुपर किंग्स ने 5 खिलाड़ियों को रिटेन किया है, जिसमें है ऋतुराज गायकवाड़ जो कि 18 करोड़ में रिटेन हुए हैं, मतीक्षा पथिराना 13 करोड़ में, शिवम दुबे 12 करोड़ में, रविंद्र जडेजा 18 करोड़ में, एमएस धोनी 4 करोड़ में, और पर्स कितने रह गए हैं, 55 करोड़ का पर्स रह गया है आरटीएम ऑप्शंस एट ऑक्शन वन प्ले। इसके अलावा कौन कौन से खिलाड़ी को इन्होंने जाने दिया है, रिलीज किया है वो देखते हैं। मोइन अली, दीपक चहर, तुषार देशपांडे, राजवर्धन हंगरकेकर, अजय मंडल, मुकेश चौधरी, अजिंक्य रहाणे, शेख राशिद, मिचेल सैंटन। देखिए मिचेल सैंटन जिन्होंने लास्ट टेस्ट मैच में शानदार तरीके से परफॉर्म किया उनको भी नहीं रिटेन किया है। और बड़े नामों में आप देख सकते हैं महेश दीक्षाना भी है, रचिन रविंद्र भी है, शार्दुल ठाकुर जो काफी अरसे से इस टीम के साथ थे वो भी रिटेन नहीं हुए, डैरिल मिचेल को भी रिटेन नहीं किया, समीर रिजवी का नाम आ रहा था लेकिन उनको भी नहीं किया, मुस्तफिजुर रहमान को भी नहीं किया, डेविन कॉनवे को भी टीम ने रिटेन नहीं किया है। नेक्स्ट टीम जो है आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं वो है दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली कैपिटल्स ने 4 खिलाड़ियों को रिटेन किया है, जिसमें अक्षय पटेल, कुलदीप यादव, ट्रिस्टन स्टाव, अभिषेक पुरल, और अक्षय पटेल को 16.5 करोड़ में, कुलदीप यादव 13.25 करोड़, ट्रिस्टन स्टाव 10 करोड़, और अभिषेक पुरल 4 करोड़। पर्स कितने रह गए हैं पैसे, 73 करोड़, और आरटीएम ऑप्शंस एट ऑक्शन 2 खिलाड़ी को कर सकते हैं। कौन कौन से बड़े खिलाड़ी जिनको उन्होंने रिलीज किया, सबसे बड़ा नाम था ऋषभ पंत। हालांकि रिटेंशन से पहले यह कहा जा रहा था कि को ओनर पाटजुंदर ने कि ये बिल्कुल ऋषभ पंत को करेंगे रिटेन, लेकिन ऐसी बात नहीं बनी। इसके अलावा डेविड वॉर्नर, पृथ्वी शॉ, एंड्रिक नॉके, जेक फ्रेजर मैकग्रा, ये सारे वो बड़े खिलाड़ी हैं जिन्हें टीम ने रिटेन नहीं किया, जिसमें मिचेल मार्श भी शामिल है, ईशांत शर्मा भी है, मुकेश कुमार भी है, और आप देख सकते हैं शाय होप, जाय रिचर्डसन, ये सारे बड़े खिलाड़ी हैं, हैरी ब्रुक, लुंगी एंगीरी, ये सारे जो है इनको रिटेन नहीं किया। आगे दूसरी टीम आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर वो है गुजरात टाइटंस। गुजरात टाइटंस ने 5 खिलाड़ियों को रिटेन किया है, जिसमें राशिद खान नंबर 1 रिटेनी है, 18 क्रोर्स उनको दिए गए हैं, शुभमन गिल 16.5 क्रोर्स, साई सुदर्शन 8.5 क्रोर्स, राहुल तेवतिया 4 क्रोर्स, शाहरुख खान 4 क्रोर्स, और इनका पर्स कितना है 69 करोड़ का, 1 खिलाड़ी का आरटीएम ऑप्शन अवेलेबल है। इसमें आप देख सकते हैं कौन कौन से बड़े खिलाड़ी जिन्हें उन्हें रिटेन नहीं किया है, जिसमें मैथ्यू वेड है, डेविड मिलर है, विद्वान साहा है, केन विलियमसन, जी हाँ न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान जिन्होंने यहां पर भी कप्तानी की थी वो भी रिटेन नहीं हुए हैं। इसके अलावा बड़े नामों में आप देख सकते हैं अजमतुल्ला उमरजई जिन्होंने अच्छा किया था वो भी शामिल नहीं है, और इसके अलावा मोहम्मद शमी उनको लेकर भी बहुत ज्यादा बातें हो रही थी, मोहम्मद शमी, मोहित शर्मा, उमेश यादव को भी रिटेन नहीं किया गया है। इसके बाद दूसरी टीम आती है केकेआर कोलकाता नाइट राइडर्स। 6 खिलाड़ियों को उन्होंने रिटेन किया है। रिंकू सिंह सबसे बड़े गेनर हैं यहां पर, 13 करोड़ उनको मिले हैं, वरुण चक्रवर्ती 12 करोड़, सुनील नरेन 12 करोड़, आंद्रे रसल 12 करोड़, हर्षित राणा 4 करोड़, रमनदीप सिंह 4 करोड़, और पर्स कितना बाकी है केकेआर के पास, 51 क्रॉस का, आरटीएम ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है इस टीम के पास। और कौन से खिलाड़ी जिनको रिटेन नहीं किया, सबसे बड़ा नाम उनका है अर्शद सैयद, 2024 की चैंपियंस ने अपनी कप्तान को रिटेन नहीं किया है। इसके साथ साथ नीतीश राणा, रहमानुल्ला गुरबाज, फिल सॉल, सुयश शर्मा, वेंकटेश अय्यर को भी नहीं किया है रिटेन। इसके साथ साथ मिचेल स्टार्क उनके गेंदबाज जिन्होंने फाइनल में खेला था, सेमीफाइनल्स में अच्छा परफॉर्म किया था, उनको भी नहीं किया है। शेफिन रदरफोर्ड, मनीष पांडे, और इसके अलावा सकीब हुसैन, जेसन रॉय, गस एटकिंसन, मुजीबुर रहमान, ये भी रिटेन नहीं किया गए हैं ये खिलाड़ी। बाकी दूसरी टीमें देखते हैं किन किन का क्या हाल रहा है इस रिटेंशन में। लखनऊ सुपर जॉयंट्स 5 खिलाड़ियों को उन्होंने रिटेन किया है, और 21 करोड़ में निकोलस पूरन को उन्होंने रिटेन किया।
रवि बिश्नोई को 11 करोड़ में, मयंक यादव को 11 करोड़, मोहसिन खान 4 करोड़, आयुष बदोनी 4 करोड़। पर्स कितने बाकी हैं? 69 करोड़ के पर्स जो है इस टीम के पास अवेलेबल है। एक खिलाड़ी आरटीएम ऑप्शन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। फुल लिस्ट ऑफ प्लेयर्स जिनको रिटेन नहीं किया है, जिनमें बड़ा सबसे बड़ा नाम है उनके कप्तान केएल राहुल का, क्विंटन डिकॉक, काइल मेयर्स, मार्कस स्टोइनिस, दीपक हुडा, देवदत्त पाडिकल, नवीनुल हक, कृणाल पांड्या। जी हाँ, कृणाल पांड्या को भी यहाँ पर रिटेन नहीं किया गया है। और आप देख सकते हैं अमित मिश्रा जो उनके साथ थे उन्हें भी रिटेन नहीं किया गया है, और मार्क वुड, डेविड विली और शिवम मावी भी टीम के साथ नहीं रहेंगे। अब देखते हैं दूसरी टीम मुंबई इंडियंस है। मुंबई इंडियंस की ये जो रिटेन्ड लिस्ट है, ये जो है 5 खिलाड़ियों को उन्होंने रिटेन किया, जिसमें सबसे पहला नाम जसप्रीत बुमराह का है। 18 करोड़ में उन्होंने उनको रिटेन किया। सूर्य कुमार यादव को 16.35 करोड़, हार्दिक पांड्या 16.35 करोड़, रोहित शर्मा 16.30 करोड़, तिलक वर्मा 8 करोड़। आप देख सकते हैं हार्दिक पांड्या का नाम है। हार्दिक पांड्या टीम को लीड करते नजर आएंगे 2025 सीजन में। पर्स कितना बाकी है? 55 करोड़ का पर्स उनका अभी बाकी है, और आरटीएम जो है एक ऑप्शन अवेलेबल है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कौन कौन से खिलाड़ी जो उन्होंने रिटेन नहीं किए हैं। डेवाल्ड ब्रेविस, ईशान किशन जो काफी अरसे तक जो है टीम का हिस्सा थे, उन्होंने डिसीजन लिया है कि वो रिटेन नहीं करेंगे, तो ऑक्शन में जाएंगे ईशान किशन। टिम डेविड, अर्जुन तेंदुलकर, शम्स मुलानी, निहाल वडेरा, कुमार कार्तिकेय, पीयूष चावला और इसके अलावा रोमारियो शेपर्ड भी हैं, और आप देख सकते हैं मोहम्मद नबी और अंशुल कंबोज जो है उनको भी रिटेन नहीं किया है। तो ये सारे खिलाड़ी जो है आपको ऑक्शन में नजर आएंगे। इसके अलावा पंजाब किंग एक ऐसी टीम है जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ 2 खिलाड़ियों को रिटेन किया, जिसमें शशांक सिंह 5.5 करोड़ में उनको रिटेन कराया गया है, प्रभसिमरन सिंह 4 करोड़। तो पर्स सबसे ज्यादा अगर किसी टीम के पास ऑक्शन में होगा वो पंजाब किंग्स होगी। 110.5 करोड़ का पर्स उनके पास है, और 4 खिलाड़ी आरटीएम के ऑप्शन के तौर पर आपको ऑप्शन में नजर आएंगे। बड़े नाम जिनको उनको रिटेन नहीं किया है, अर्शदीप सिंह, जी अर्शदीप का नाम जरूर आ रहा था लेकिन उनको रिटेन नहीं किया गया है। मैथ्यू शॉट, जितेश शर्मा, सिकंदर रजा, ऋषि धवन, लियाम लिविंगस्टन और इसके अलावा नेथन एलिस, सैम करन का हिस्सा, रबाडा, हरप्रीत ब्रार, राहुल चहर, और आप देख सकते हैं इसमें हर्षद पटेल का भी नाम शामिल है, क्रिस वोक्स भी है और इसके साथ साथ राइली रूसो भी शामिल है। तो इन सारे खिलाड़ियों को आप ऑक्शन में देखेंगे। द नेक्स्ट टीम दैट कम्स ऑन द लिस्ट इज राजस्थान रॉयल्स। अब आप देखिए राजस्थान रॉयल इज परहैप्स दी ओनली टीम जिनके पास सबसे कम पर्स रहेगा 41 करोड़ का, क्योंकि उन्होंने 6 खिलाड़ियों को रिटेन किया है और उनके कप्तान रहेंगे संजू सैमसन जिनको उन्होंने 18 करोड़ में किया है रिटेन, यशस्वी जायसवाल 18 करोड़, रियान पराग 14 करोड़, ध्रुव जुरेल 14 करोड़, शिमरन हेटमेयर 11 करोड़, संदीप शर्मा 4 करोड़। तो आर टीम का ऑप्शन भी अवेलेबल नहीं है। पर्स कितना है? 41 करोड़ का। इसके अलावा कौन से बड़े नाम है जिनको उन्होंने नहीं किया? सबसे बड़ा नाम जोस बटलर का है, और इसके साथ साथ रविचंद्रन अश्विन है, नवदीप सैनी है, ट्रेंट बोल्ट है, युजवेंद्र चहल है, आवेश खान है, रोबन पावल है, और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं प्रसिद्ध कृष्णा और एडम जंपा भी शामिल है, जिनको लेकर जो है बात की थी राहुल द्रविड़ ने कि जोस बटलर, युजवेंद्र चहल, अश्विन, ट्रेंट बोल्ट ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें टीम मिस करेगी, वो ट्राई करेंगे जो कोर है उनको ऑक्शन में वापस लेकर आने का। इसके बाद बात करते हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को लेकर, और बेंगलुरु ने 3 खिलाड़ियों को रिटेन किया है, विराट कोहली, रजत पाटीदार, यश दयाल। विराट कोहली 21 करोड़, रजत पाटीदार 11 करोड़ एंड यश दयाल 5 करोड़। तो पर्स कितना बाकी है? 83 करोड़ का पर्स आरसीबी के पास बाकी है। 3 प्लेयर्स बतौर आरटीएम ऑप्शन ऑक्शन पे रख सकते हैं। और कौन से खिलाड़ी को रिटेन नहीं किया? सबसे बड़ा नाम सिराज का होगा, और उनके कप्तान फाफ डुप्लेसी, ग्लेन मैक्सवेल, अनुज रावत, इसके साथ साथ विल जैक्स भी है, कर्ण शर्मा है और मयंक दागर भी है। मोहम्मद सिराज, जिसमें आपको कहा सबसे बड़ा नाम था जिन्हें उन्होंने नहीं किया है रिटेन, रीस टपली है, और इसके साथ साथ अल्जारी जोसेफ है, कैमरून ग्रीन है, टॉम कारन है, लॉकी फर्गसन है। और कैमरून ग्रीन को लेकर भी आरसीबी ने कहा कि अगर उनकी इंजरी नहीं होती तो शायद वो रिटेन हो सकते थे। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट आप देख सकते हैं एसआरएच ने 45 करोड़ जो है उनके पर्स में बाकी है, 5 खिलाड़ियों को रिटेन किया है। पैट कमिंस 18 करोड़, अभिषेक शर्मा 14 करोड़, नितेश रेड्डी 6 करोड़, हेनरिक क्लासन 23 करोड़, ट्रेविस हेड 14 करोड़, आरटीएम ऑप्शन 1 अनकैप प्लेयर। इसके अलावा कौन कौन से खिलाड़ियों को रिटेन नहीं किया है वो आप देख सकते हैं।
अब्दुल समद, एडन माकुम, मार्को यानसन, राहुल त्रिपाठी, वॉशिंगटन सुंदर, क्लेम फिलिप्स, भुवनेश्वर कुमार, मयंक अग्रवाल, टी नटराजन, उसके अलावा आप देख सकते हैं उमरान मलिक, फजल हक फर्रूकी, शहबाज अहमद और जयदेव उनतकट, ये सारे वो नाम हैं और वनिंदु हसनंगा भी टीम का हिस्सा नहीं रहेंगे। इसके अलावा कुछ कप्तान जिन्हें टीम ने रिलीज किया है, श्रेयस अय्यर 2024 में उन्होंने केकेआर को चैंपियंस बनाया, उन्हें रिलीज कर दिया गया, फाफ डुप्लेसी एलिमिनेटर का हिस्सा थे, उन्हें नहीं रखा गया, ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल्स के साथ थे और 2024 सीजन में सिक्स्थ रहे दिल्ली कैपिटल्स, उन्हें भी रिलीज कर दिया गया, केएल राहुल की टीम जो है लखनऊ जायंट्स जो है सेवंथ रही, उन्हें रिलीज किया। शिखर धवन, हालांकि यहां पर आपको बता दें कि उन्होंने रिटायरमेंट घोषित कर दिया था फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट, उनकी टीम 9वें पोजीशन पे थी, उन्हें भी रिलीज किया गया। अब आगे आपको दिखाते हैं कि किस तरह से सबसे बड़े रिटेनर्स कौन कौन से थे और किस टीम में थे। हेनरिक क्लासन 23 करोड़, विराट कोहली 21 करोड़, निकोलस पूरन 21 करोड़, जसप्रीत, ऋतुराज, रविंद्र जडेजा, संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल, राशिद खान और पैट कमिंस, सब जो हैं हर ये खिलाड़ी 18 करोड़ में जो है उनको रिटेन किया गया। इसके अलावा टीम पर्स कितने हैं और कितने उन पे खर्च किए गए, कितने बाकी हैं और कितने आरटीएम कार्ड्स उनके पास अवेलेबल है वो देखते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स 65 स्पेंट किए हैं उन्होंने, 55 उनके पास बाकी हैं पर्स में क्रोर्स और एक आरटीएम कार्ड उनके पास है। दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो 47 क्रोर्स उन्होंने स्पेंट किए हैं, 73 बाकी है, दो आरटीएम अवेलेबल है। गुजरात टाइटंस ने 51 स्पेंड किए हैं, 69 जो है बाकी है और एक आरटीएम अवेलेबल है। कोलकाता नाइट राइडर डिफेंडिंग चैंपियंस ने 69 स्पेंड किए हैं क्रॉस और 51 क्रॉस बाकी है, एक भी आरटीएम नहीं है उनके पास। वहीं अगर लखनऊ सुपर जायंट्स की बात की जाए तो 51 क्रॉस उन्होंने स्पेंड किए हैं, 69 क्रॉस बाकी है, एक आरटीएम कार्ड है और एमआई 75 क्रॉस उन्होंने स्पेंड किए हैं जिसमें बुमराह को उन्होंने 18 क्रॉस दिया है, 45 उनके बाकी है, एक अनकैप्ड इंडियन जो है आरटीएम कार्ड अवेलेबल है। पीबीकेएस जो है टोटल 9.5 क्रॉस दो ही लोगों को उन्होंने रिटेन किया है। सबसे ज्यादा पर्स अगर ऑक्शन में किसी के पास होगा वो है पंजाब किंग्स 110.5 क्रॉस। इसके अलावा उनके पास आरटीएम कार्ड्स 4 हैं। राजस्थान रॉयल्स के पास सबसे कम आपको पर्स रिमेनिंग रहेगा 41 क्रॉस, सबसे उन्होंने 79 क्रॉस जो है स्पेंड किए हैं। इसके अलावा आरसीबी की बात की जाए 37 क्रॉस उन्होंने स्पेंड किए हैं, 83 बाकी है और तीन आरटीएम कार्ड हैं। सनराइजर्स हैदराबाद 75 क्रॉस उन्होंने स्पेंड किए हैं, 45 बाकी है और एक अनकैप्ड इंडियन आरटीएम। अब इसके अलावा आप देख सकते हैं बड़े गेनर्स कौन हैं। ध्रुव जुरेल जिन्हें 2022 में 20 लाख में खरीदा गया था उन्हें रिटेन किया गया है 14 करोड़ में, तो आप डिफरेंस देख सकते हैं कितना बड़ा जंप आया है। इसके अलावा मयंक यादव जो कि 2023 में 20 लाख में टीम में आए थे उन्हें 11 करोड़ में रिटेन किया गया है। रजत पाटीदार को भी 20 लाख में उन्हें खरीदा गया था 2021 में, वो 11 करोड़ में उन्हें रिटेन किया गया है। रिंकू सिंह 55 लाख 2022 में उन्हें खरीदा गया था इस अमाउंट में और 13 करोड़ में जो है उन्हें रिटेन किया गया है। ट्रिस्टन स्टफ 50 लाख 2024 में टीम के साथ जुड़े थे और 10 करोड़ में उन्हें रिटेन किया गया है। साई सुदर्शन 2022 में 20 लाख में उन्हें खरीदा गया था, 8.5 करोड़ में उन्हें रिटेन किया गया है। नीतीश रेड्डी 20 लाख में जो है 2023 में उन्हें खरीदा गया था और 6 करोड़ में उन्हें रिटेन किया गया है। शशांक सिंह 20 लाख में उन्हें 2024 में खरीदा गया था और 5.5 करोड़ में उन्हें रिटेन किया गया है। तो सबसे बड़े गेनर जो हैं ध्रुव जुरेल और मयंक यादव और रजत पाटीदार आपको और रिंकू सिंह नजर आ रहे हैं इस लिस्ट में। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि कितने स्लॉट्स हर टीम के पास अवेलेबल है। अगर चेन्नई सुपर किंग्स की बात की जाए तो 20 स्लॉट्स है जिसमें से 7 स्लॉट्स जो हैं ओवरसी के हैं। दिल्ली कैपिटल्स के पास 21 स्लॉट्स हैं, गुजरात के पास 20 स्लॉट्स हैं जिसमें 7 ओवरसी स्लॉट्स है, केकेआर के पास 19 स्लॉट्स टोटल अवेलेबल है। ऑक्शन में जाएंगे तो इतने प्लेयर्स ले सकते हैं जिसमें 6 ओवरसी स्लॉट्स अवेलेबल है। केकेआर के पास 19 स्लॉट्स हैं जिसमें 6 ओवरसी हैं
और लखनऊ सुपर जायंट्स के पास 20 स्लॉट्स अवेलेबल है जिसमें 7 ओवरसी हैं, और एमआई के पास टोटल 20 स्लॉट्स अवेलेबल है जिसमें 8 ओवरसी हैं, पंजाब के पास 23 स्लॉट्स अवेलेबल है 8 ओवरसी, और आरसीबी के पास 22 स्लॉट्स अवेलेबल है 8 ओवरसी, राजस्थान के पास 19 स्लॉट्स अवेलेबल है टोटल जिसमें 7 ओवरसी स्लॉट अवेलेबल है, एसआरएच के पास 20 है और 5 ओवरसी जो है स्लॉट्स अवेलेबल है। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो से सारी डिटेल्स एज फार एज रिटेंशन आर कंसर्न क्लियर है कि कौन से टीम में कौन से खिलाड़ी गए हैं, कितने में गए हैं, किन खिलाड़ियों को टीम ने कर दिया है गुड बाय, कौन कौन से खिलाड़ी जो है आपको ऑक्शन में नजर आएंगे, बड़े खिलाड़ी कौन से खिलाड़ी जो है सबसे बड़े गेनर्स थे, कितने स्लॉट्स अवेलेबल हैं, कितना पर्स अवेलेबल है, कितने पैसे होंगे हर एक टीम के पास जब टीमें ऑक्शन के लिए बैठेंगी। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अभी के लिए दीजिए मुझे इजाजत, धन्यवाद।